नमस्कार दोस्तों, टेक्नोविज यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ई स्पोर्ट्स क्रिकेट पैच मेकिंग 24 का ट्यूटोरियल में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ट्यूटोरियल बहुत ही कमाल का है, और ये जो दोस्तों आईपीएल लीग ऐड करने का थर्ड ट्यूटोरियल भी आप कह सकते हैं, तो आज का ट्यूटोरियल बहुत कमाल का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दोस्तों पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जरूर देखे, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको क्या बताया था, इन लोगों को कैसे हम ला सकते हैं। इस दोस्तों यहाँ पे मैंने चेन्नई सुपर किंग इन सारी टीम के लोगो चेंज किए। हालांकि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको सिर्फ चार टीम के लोगों के चेंज करके बता दिया है, आपको दोस्तों इससे आइडिया लग जाएगा कि इनके भी कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने उससे भी पिछला मतलब 22nd ट्यूटोरियल भी नहीं देखा तो प्लीज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी मैंने क्या बताया था, यहाँ की जो टीम को कैसे रिमूव कर सकते हैं और वाई डॉट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। और ये ट्यूटोरियल उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो नाम आते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे हैम्पशायर, यहाँ पे केंट, यहाँ पे लैंकशायर, ये नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो दोस्तों हमने लोगोस तो दे दिए, यहाँ पे हमें नाम देना है चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद, यहाँ पे पंजाब, ये नाम हम कैसे दे सकते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। हालांकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक आइडिया भी देने वाला हूँ कि आप प्लेयर्स भी कैसे ला सकते हैं। और अगले ट्यूटोरियल में मैं फिक्चर्स के बारे में बात करूंगा और स्टेडियम के, तो प्लीज दोस्तों इसे स्किप मत करें। और आप सबसे मेरी विनती की इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, जितना आप लाइक कर सकते उतना लाइक कीजिए, नहीं तो मैं दोस्तों अगला ट्यूटोरियल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपसे मेरे भाई लाइक नहीं कर रहे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो ज्यादा समय ना कमाते हुए चलिए शुरू कर देते आज की इस कमल की वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना है प्लेयर एडिटर की, इसको जरूर है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं इसे अभी यहाँ भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये जो फाइल आते हैं आप देख सकते हैं, और इसमें से प्लेयर एडिटर को आप ओपन कर लेना है। यहाँ दोस्तों पूछता है कि पीसी यूजर क्या यस कर लेना है, आपको ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 7 की डायरेक्टरी में ले जाना है, जिसे दोस्तों मेरे डेस्कटॉप पे ही आपके कहाँ पे भी हो वहाँ पे ले जाना है, और यहाँ पे ओके कर लीजिए। उसके बाद आपका रोस्टर, और उससे पहले आप एक और काम कर लीजिए, मैं वो बताना भूल गया, आप क्या करें इस गेम को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों माय क्रिकेट में आके रिसेट रोस्टर कर लीजिए और यस, ठीक है। और उसके बाद लोड स्लैश सेव, उसके बाद सेव में आके यहाँ पे रोस्टर में आके आप न्यू पे क्लिक करके कौन सा भी एक रोस्टर बनाए। दोस्तों मैं यहाँ पे एक रोस्टर बनाना चाहता हूँ IPL 2018, ये नाम का एक रोस्टर बना दिया है, डन बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू, ये आप ध्यान में रखिएगा सिर्फ। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेगा, यहाँ पे ये पूछता है कि कौन सा, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्रिकेट 7 में डॉक्यूमेंट्स में आके, और यहाँ पे IPL 2018 आपको कहीं पता होगा आपने कौन सा नाम दिया है, वो नाम को ध्यान में रखना है और इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने प्लेयर एडिटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं प्लेयर एडिटर तो ओपन हो गया है सक्सेसफुली बिना कोई एरर के। तो अब हमें करना क्या है, इन टीम के नाम ध्यान में रख देने। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गेम मोड्स में आता हूँ, ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद आते हैं, आपको बता दें तो प्लीज लाइक ठोक दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हैम्पशायर, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टीम के नाम, यहाँ पे प्लेयर के नाम, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते कितने सारे टीम से आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आना है एडिट स्क्वाड में, आपका ऐसा हो सकता है एडिट स्क्वाड में आना है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हो सकता है, और आपको यहाँ पे ना कौन सी वो टीम थी हमारी, हैम्पशायर, तो वो टीम ढूंढनी है, तो ये आप देख सकते हैं हैम्पशायर। अब आपको दोस्तों करना क्या है, ये नाम सिर्फ चेंज कर लेना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, कौन सा भी नाम रख सकते हैं आपने, मतलब हैम्पशायर की जगह आपने कौन सी टीम दे दी, कौन सा भी नहीं रख सकते आपको, चेन्नई या फिर कौन, मैं चेन्नई तुझे देना ही होगा, क्योंकि मैंने चेन्नई के ही अभी समझ सकते हैं। और इसमें शायद ना ओके, तो इतने ही जो वर्ड्स होते हैं इतने ही बैठते हैं, चेन्नई सुपर किंग ही होता है। और यहाँ पे ना आप उसका शॉर्ट नेम दे सकते हैं, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे CSK देना चाहता हूँ, और यहाँ पे भी CSK दे दीजिए, ठीक है। और ये इंग्लिश कंट्री की ही टीम है, तो बिल्कुल वैसे ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद जल्द से जल्द सेव कर लीजिए, ठीक है। अब ये सेव हो गया है, अब अगर आप ओपन करेंगे स्पोर्ट्स क्रिकेट 7 की गेम को, और यहाँ पे ना माय क्रिकेट में आके लोड, उसके बाद रोस्टर में आके IPL 2018 का रोस्टर अगर आप चूज करेंगे कंटिन्यू, और अगर आप देखेंगे टीम तो देखते हैं,
आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स आ गए। वैसे हमें इन सारी टीम के नाम चेंज करने, आज मैं मुंबई इंडियंस का चेंज कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों ये टीम कौन सी है, केंट, केंट का नाम हम क्या रखें, मुंबई इंडियंस। देख सकते दोस्तों और यहाँ पे आप नाम दे सकते कौन सा भी, मैं मुंबई देना चाहता हूँ। ओके ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जल्द से जल्द सेव कर लीजिए। ऐसे ही दोस्तों आप, मैं इन सारी टीम का नाम चेंज कर लेता हूँ। आपको बस करना क्या है, ये नाम देखना है लैंकशायर, और यहाँ पे जाके लैंकशायर में जाके यहाँ पे वो टीम होगी और उसका यहाँ से नाम चेंज करके सेव कर लेना है जल्द से जल्द। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी टीम के नाम चेंज कर दिए। आपको यहाँ पे, आप अगर दूसरा कोई लीग बना रहे हैं, कौन सा भी पर्सनली कौन सा भी लीग बना रहे हैं, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। मुझे एक भाई ने मेरे कमेंट किया था, उनका नाम मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे टीम के नाम अलग रखने, मतलब उनका शायद कोई तो लीग होगा और उनके नाम, तो आप यहाँ से उन नाम को चेंज कर सकते हैं, आपको समझना लिखेगा। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ, बैक ले लेता हूँ, माई क्रिकेट लोड, और यहाँ पे रोस्टर में आके IPL 2018 यस और कंटिन्यू, डेमो डोमेस्टिक इंग्लिश क्रिकेट 2020 कप कंटिन्यू। देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स। यार दोस्तों अगर मेरी कोई भी स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर दे, क्योंकि मैंने बहुत तेजी से आपको बताने के लिए, मैंने आपको सिखाने के लिए कि आप समझ सकते हैं दोस्तों। सो ये तो हो गई, मतलब टीम के नाम तो चेंज हो गए, लेकिन अगर आप दोस्तों प्लेयर देखेंगे अंदर की, इसी में टोटल में वो बताऊंगा, क्योंकि अगर बड़ा हो तो आपको देखना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं चेन्नई सुपर किंग प्लेयर देख सकते हैं, जे एडम्स, एम ब्राउन, केविन पीटरसन। आपको आप इन प्लेयर जो है इनके नाम चेंज करते नहीं, इन्हीं प्लेयर के मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अलग कोई भी प्लेयर है उसका यूज नहीं, वह प्लेयर आपको चेंज करवा देना है। जैसे कि मैं अभी करना चाहता हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, आपको जो प्लेयर नहीं चाहिए वो प्लेयर लेना है। जैसे कि मैं दोस्तों अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स का, ठीक है। सो यहाँ पे आके अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स देखते हैं कहाँ पे, ओके ये आप देख सकते हैं, और ये जो कलर है ये उनके किट के बैक साइड में कौन सा कलर होता है ये आप देख सकते हैं, शायद चेन्नई के ना बैक साइड में रेड कलर है शायद, मुझे बताना आप कौन सा भी देख सकते हैं, और ब्लैक या फिर रेड या फिर ब्लू है, तो मैं ब्लू देना चाहता हूँ। एक किट की बात है, किट में बाद में बताऊंगा आपको किट की, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कौन सा भी प्लेयर, यहाँ पे डी मिरर्स, ये कौन सा प्लेयर है पता नहीं, उन प्लेयर मतलब इस प्लेयर का यूज ही नहीं होगा, तो इस प्लेयर का नाम आप चेंज कर लीजिए। जैसे दोस्तों मैं इस प्लेयर का नाम दे देता हूँ शेन वॉटसन, ये हो गया शेन वॉटसन। क्या है यहाँ पे प्लेयर रोल क्या है, यहाँ पे बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन दे सकते हैं, मैं बैट्समैन देने देता हूँ, कमेंटरी नेम आप दे सकते हैं। मैंने दोस्तों ये ट्यूटोरियल बना है, लेकिन बता रहा हूँ आपको, और नेशनलिटी कौन सी है शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया की है, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन क्या है, ओके मिडल ऑर्डर ओपनर में देना चाहता हूँ, और टाइप कौन सी है, ओके वो ऑफ स्पिन करते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं, आपको ये समझना है शेन वॉटसन क्या करते हैं। स्टाइल कौन सी, डिफेंसिव नहीं, बैटिंग में एग्रेसिव, बहुत ही अच्छा खेलते शेन वॉटसन, बॉलिंग के भी स्टाइल में मॉडरेटर देता हूँ। प्राइमरी पोजीशन यहाँ में स्लीप में होते शायद कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, देता हूँ मैं ये, बैटिंग हैंड राइट, ठीक है, शेन वॉटसन राइट हैंड है, फील्डिंग हैंड भी राइट। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप ये नाम आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, तो सिर्फ करना है। अब आपको स्टैटिस्टिक्स में आना है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स आप देना चाहते दे सकते हैं। बैटिंग एबिलिटीज में आके उनका स्किल देना है, शेन वॉटसन आपको पता होगा अच्छे खेलते हैं, मैं 97-80 ऐसे मैं बहुत ही ज़्यादा देता हूँ, ठीक है, आपको जितना देना है वो दे सकते हैं, क्योंकि शेन वॉटसन तो अच्छा खेलते हैं, आपको भी पता होगा फाइनल में 100 स्कोर लगाया था। तो उसके बाद सेव कर लीजिए, सेव करना मत भूलेगा, जल्द से जल्द सेव कर लीजिए। आपको अब मैं फेस की बाद में बात करूँगा, फेस का और एक ट्यूटोरियल, क्योंकि इस एक ही ट्यूटोरियल में आपको नहीं बता सकता फेस कैसे चेंज कर सकते, ठीक है, फेस का अगला ट्यूटोरियल में बताऊँगा। और यहाँ से आप बैट्स भी उनकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बॉलिंग की स्पीड वैसे रहने दीजिए। और आप चेन्नई सुपर किंग में आना है,
ठीक है, यहाँ पे आना है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेन वॉटसन। आपको इसमें से प्लेयर क्या करना है, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 प्लेयर चाहिए, तो इसमें से आपको हटाना होगा। तो पहला प्लेयर कोई जरूरत नहीं, तो इस पे क्लिक करने के बाद ये प्लेयर हट जाता है, देख सकते हैं रिमूव हो गया, ऑस्ट्रेलिया टीम में आ गया, उसकी कोई बात नहीं। शेन वॉटसन कहाँ पे है, ओके यहाँ पे, तो ये दबाए, तो यहाँ पे आ गई शेन वॉटसन। तो दोस्तों ये तो बात हो गया शेन वॉटसन की। आपको ऐसे मैं आप सिर्फ और सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है उनके सिर्फ प्लेयर के नाम प्लेयर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसकी मैं बात करूंगा। आपको ऐसी सारी टीम्स के जो लोगोज होते हैं वो चेंज, सारी टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनके नाम सब कुछ चेंज कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं एक और नाम दे देता हूँ, सुरेश रैना, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, सॉरी ये शेन वॉटसन का ही हो गया, फिर से वो हमें नहीं करना है, कोई अलग प्लेयर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आके देख सकते हैं सुरेश रैना गए। सुरेश रैना क्या है, बैट्समैन है, और यहाँ पे आप कमेंटर नेम क्या देना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है, मैं उससे उसके बावजूद मैं नाम देता हूँ जो कमेंटर में आते हैं। यहाँ पे इंडियन कर लेना है, ठीक है, इंडियन हो गया। बैटिंग ऑर्डर क्या है, मिडल ऑर्डर में आते हैं वो। बॉलिंग क्या, स्लो लेफ्ट आर्म, ठीक है, मैं ये ज्यादा नहीं देखूंगा, आपको ये ध्यान में लाना है मतलब कैसे वो है, ठीक है, स्टाइल क्या है, अच्छे खेलते एग्रेसिव है और ये मॉडरेटर एग्रेसिव, मैं ये देता हूँ ये। और सुरेश रैना भी स्लिप में ही होते हैं, प्राइमरी पोजिशन सेकेंडरी पोजिशन जनरल देता हूँ, और ये लेफ्ट लेप है और फील्डिंग हैंड है उनका राइट, ठीक है, यहाँ पे सेव कर लीजिए सबसे पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए सुरेश रैना, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इंडिया किया था ना इसलिए वो हट गया, लेकिन इंडिया करने के बाद फिर से आ जाता है। सेव सिर्फ आप कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होता है। और बैटिंग एबिलिटीज और बॉलिंग एबिलिटीज, उनकी बैटिंग बॉलिंग कैसे वो आपको यहाँ से देना है, मैं देता हूँ यहाँ पे उनकी बैटिंग बॉलिंग की एबिलिटीज। आपको जितना देना है वो दे सकते हैं और सेव कर लीजिए, सेव करना हम भूल जाते हैं और फिर से वैसे ही रहता है, तो आप भी समझ सकते हैं। सेव कर लीजिएगा, प्लेयर की बैट यहाँ से दे सकते हैं, फील्डिंग एबिलिटीज, फील्डिंग तो एकदम अच्छी, सुरेश रैना की आपको ये पता होगा, शायद उन्होंने आज तक का बहुत कम कैचेस छोड़े, और सेव कर लीजिए। फेस की मैं दोस्तों बाद में बात करूंगा, फेस का एक अलग एक और ट्यूटोरियल आएगा, और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद सेव कर लीजिए, और यहाँ पे आ जाए एडिट स्क्वाड में, और यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग, यहाँ पे इंडियन टीम सिलेक्ट है, और यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में सूरज रहना, इसको सबसे पहले हटाने, क्योंकि 20 के 20 होते ना, अगर मैं इसको इस साइड में लाने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हैं टू मेनी मतलब बहुत सारे हैं, मैं अबॉर्ड करता हूँ, और इसको हमें हटाना है, और आप 19 हो गए, अब आएंगे तो देख सकते हैं ये दो प्लेयर्स आ गए। ऐसे आपको सारे प्लेयर्स को लाना है, मैं पॉज करता हूँ इस वीडियो को और सारे इन प्लेयर्स को लाता हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे प्लेयर्स को ऐड कर दिया, और ये मैंने खुद किया है, आपको मैंने जैसे बता दिया कौन सा प्लेयर मैंने उठाया और उसका नाम चेंज किया जिसका यूज नहीं है वो प्लेयर, और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिसका यूज नहीं है, वो सारे प्लेयर थे आपको नाम चेंज करने पड़ेंगे। और आप तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ही प्लेयर्स किए, और 11 प्लेयर्स करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा है। आप टाइम भी दोस्तों देख सकते हैं पीछे लेके, और बहुत वक्त लगता है आपको ये करना होगा। और रहे गए ये प्लेयर, आपको आप करना क्या है, यहाँ पे पर्सनल में आना है, और कौन सा प्लेयर जिसका यूज नहीं वो प्लेयर उठाना है, और उसका नाम एम्प्टी कर देना है, मतलब नाम ही नहीं कर देना है, आप समझ सकते, ये सब कुछ कम कर लेना है, बस नाम ही अगर आप नहीं देंगे तो भी अच्छी बात है। आपको यहाँ पे कौन सा भी एक, मैं जिम्बाब्वे नहीं रहने देता हूँ, ठीक है, और ये जिम्बाब्वे ने सिर्फ ध्यान में रखे बैटिंग एबिलिटी, ये सब कम कर दिए, जीरो कर दिए, क्योंकि वो प्लेयर ही नहीं है,
ठीक है, अपने क्रिकेट 18 में रोस्टर में देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 11 ही प्लेयर्स है। यहाँ पे सबको जीरो करना पड़ेगा आपको, बॉलिंग एबिलिटी सबको जीरो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने सबको जीरो कर दिया। आप आ जाइए इडिट स्क्वाड में, इडिट स्क्वाड में आइए और यहाँ पे ना देख सकते हैं लास्ट पर हमारा ड्वेन ब्रावो है। यहाँ से हमें ये सारे प्लेयर्स हटाने, यहाँ पे कितने टोटल 11 ही रहने गए। तो देखा आपने, आप ये 11 लेकिन सेव मत करेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है जिम्बाब्वे में, ठीक है ये, और इसमें से हमने ये प्लेयर आप देख सकते हैं ये ऐड कर लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख सकते हैं 20 के 20 हो गए। अब आप सेव कर लीजिए, ये हो गया सेव। और आप ये जो नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनका जर्सी नंबर है, आप नेट पे चेक कर लीजिए। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नेट से ले लिए। और अगर हम अभी शेन वॉटसन का मैं देखता हूँ, शेन वॉटसन का जर्सी नंबर क्या है, ठीक है 17 नंबर का है शेन वॉटसन का जर्सी नंबर, तो आप यहाँ पे 17 ऐसे डाल दीजिए। वैसे आपको सारे टीम्स के सारे प्लेयर से करना है, एमएस धोनी का किसको नहीं पता 7, ठीक है वैसे आपको डालना है और सेव कर लेना है। आप तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ चेन्नई का, और आप इसे क्लोज कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है आपको, ऐसी सारे यहाँ पे आपको टीम के करने पड़ेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे दिल्ली डेयरडेविल्स इनके सारे टीम्स के आपको क्या कहते हैं प्लेयर्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब हम गेम को ओपन करके देखते हैं कि प्लेयर चेंज हो गए या फिर नहीं। माय क्रिकेट में आइए, लोड फ्लैश से लोड, और यहाँ पे IPL 2018। अब दोस्तों लाइनअप की बात करें तो उसके लिए भी अगला ट्यूटोरियल आएगा। लाइनअप मतलब क्या, यहाँ पे मैं आता हूँ तो आपको इसके लिए ना मैं एक ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। उससे हो गया क्या, हम सारे प्लेयर्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सही से नहीं हुआ है। सो आपको ये करने के लिए लाइनअप एडिटर की जरूरत होगी, तो वो भी अगर देखते हैं कितने मिनट का हो गया, 18 मिनट का बहुत बड़ा ये वीडियो हो गया है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको लाइनअप एडिटर का यूज करके, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और उस टोटल में मैं आपको बताने लगा, और ये जो विकेट कीपर वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस आप करके रखेगा, आपके टीम के प्लेयर्स के नाम सब कुछ करके रखेगा रेडी। मुंबई इंडियंस आपकी सारे टीम्स का करना पड़ेगा। आपको पसंद आएगा और प्लीज लाइक कर दीजिए, एक और बार बताइए तो प्लीज लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो को, और देखने आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक लापरवाही शुभ रहे।